Now next program again based on number system convergence. किसमें जस्ट परफॉर्म कराएंगे any to any conversion. Any to means अगर आपके पास कोई भी number given है, for examples we are having some number in the form of any base, base something a. इस केस में a का वैल्यू क्या है, वो मे बी 2, मे बी 3, मे बी 4 अप टू 16. इसे 2 से लेकर 16 के बीच में कोई भी वैल्यू आप प्रोवाइड कर सकते हो. इस द एग्जिस्टिंग बेस इन सेम नंबर मुझे कन्वर्ट कराना किसी अदर फॉर्म में, मींस समथिंग रिक्वायर्ड बेस क्या है इस केस में, b. b का भी वैल्यू क्या हो सकता है, मे बी 2, 3, 4 एंड अप टू 16. फॉर एग्जाम्पल सपोजेड अगर आपके पास कोई नंबर अवेलेबल लाइक है 123, इस 123 के केस में एग्जिस्टिंग बेस क्या है, बेस 5. इसको कन्वर्ट किस में कराना, न्यू रिक्वायर्ड बेस इज बेस 4. वी वांट टू कन्वर्ट इन टू इक्वेलेंट केस बेस 4, मीन्स ए के प्लेस पर जस्ट ऑकर क्या हुआ है 5, बी के प्लेस पर ऑकर क्या हुआ है 4. मीन्स इस प्लेस पर, ए के प्लेस पर इस रेंज का कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो सेम, है बी के प्लेस पर भी सेम रेंज का कोई भी वैल्यू पुट करना पॉसिबल है. क्लियर? अगर इस टाइप्स का सिचुएशन है आपको कन्वर्जेंस परफॉर्म क्या कराना, 5 मींस एनी बेस. एनी क्यों, क्योंकि इस केस में फिक्स नहीं, ऑलवेज 5 हो. 5 के प्लेस पर आप कोई भी बेस पुट कर सकते हो रन टाइम पर कीबोर्ड के थ्रू. सेम है बी के प्लेस पर भी कोई भी बेस सप्लाई करना पॉसिबल. इस टाइप के कन्वर्जन में जस्ट जब भी आप एनी टू एनी कन्वर्जन परफॉर्म करते हो, एनी टू एनी डायरेक्टली कन्वर्जन पॉसिबल. जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था जस्ट इन केस ऑफ बाइनरी और समथिंग ऑक्टल, अगर आपके पास कोई भी ऑक्टल नंबर अवेलेबल है, ऑक्टल मीन्स इन द फॉर्म ऑफ बेस 8, इसको कन्वर्ट किसमें कराना, इन द फॉर्म ऑफ बेस 16. ऑक्टल टू डेसिमल, सॉरी ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल डायरेक्टली कन्वर्जन पॉसिबल नहीं था. इसके इसमें सबसे पहले परफॉर्म क्या कराया, सबसे पहले गिविन ऑक्टल नंबर को कन्वर्ट किया था इन द फॉर्म ऑफ इनटू इक्विवेलेंट बेस 10 कन्वर्जन, मीन्स ऑक्टल टू डेसिमल, देन डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना पॉसिबल हुआ था. देन इसे डेसिमल को कन्वर्ट किसमें कराएंगे, इन द फॉर्म ऑफ हेक्साडेसिमल, मीन्स ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल डायरेक्टली कन्वर्जन पॉसिबल नहीं. कन्वर्जन परफॉर्म कैसे हुआ, पहले ऑक्टल टू डेसिमल, देन डेसिमल टू हेक्साडेसिमल. सेम एज इन दैट केस अगर आप एनी टू एनी कन्वर्जन परफॉर्म कर रहे थे, एनी टू एनी कन्वर्जन डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है. सबसे पहले जो भी एग्जिस्टिंग बेस है और गिवन बेस है, ऐसे गिवन बेस को सबसे पहले कन्वर्ट किस फॉर्म में कराएंगे, इन द फॉर्म ऑफ बेस 10, मीन्स डेसिमल. सबसे पहले एनी टू डेसिमल कन्वर्जन होगा, देन डेसिमल टू रिक्वायर्ड कन्वर्जन. क्लियर? देन डेसिमल को आप अगेन कन्वर्ट किस में कराओगे, रिक्वायर्ड फॉर्मेट. क्लियर? लाइक दैट. अगर गिवन केस में बात करें तो इस केस में जस्ट आप फॉर्मेट क्या फॉलो करोगे, मीन सेम एज प्रीवियस केस. इस केस में देखा जाए तो कुछ भी नया नहीं है, बस ऑक्टल के केस में गिवन बेस क्या था 8, देन उस केस में एवरी टाइम आपने मल्टीप्लाई किससे कराया, 8 टू द पावर n. इस केस में जब इसे गिवन नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करोगे तो इस केस में इसके सारे के सारे डिजिट्स मल्टीप्लाई किससे होंगे, 5 टू द पावर n. फॉर एग्जांपल सबसे पहले कॉपी क्या करेंगे, 3. 3 के केस में जस्ट मल्टीप्लीकेशन किससे होगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 5. 5 इज नथिंग बट इट इज a. मीन्स प्रोग्रामेटिकली 5 के प्लेस पर राइट डाउन क्या करेंगे, a. देन 5 टू द पावर 0 प्लस नेक्स्ट टाइम सेकेंड बाइट क्या, सॉरी सेकेंड डिजिट क्या इसका 2. 2 में अगेन मल्टीप्लाई किससे हुआ, 5 टू द पावर 1. नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट डिजिट क्या है, 1 के केस में मल्टीप्लाई किससे करा, 5 टू द पावर 2. वन मोर थिंग, इस केस में अगर बेस 5 दिया है, आपको पता होना चाहिए बेस 5 के अकॉर्डिंग वैलिड डिजिट्स क्या होंगे बिटवीन 0 टू 4. जैसे बाइनरी के केस में वैलिड डिजिट्स क्या है, 0 टू 1. ऑक्टल के केस में वैलिड डिजिट्स क्या है, 0 टू 7. सिमिलरली बेस 5 के केस में वैलिड डिजिट्स क्या होंगे, 0 टू 4. और बेस 4 के केस में वैलिड डिजिट्स क्या होंगे, बिटवीन 0 टू 3. मैंने वैलिड और इनवैलिड डिजिट टेस्ट करने के लिए कोई कंडीशन प्रोवाइड नहीं करूंगा, आपके लिए बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड होना चाहिए. अगर आप बेस 5 एंटर करने वाले, तो डिजिट्स क्या होना, जो भी आप नंबर एंटर कर, नंबर के अंदर यूज्ड डिजिट्स क्या होना चाहिए, ओनली 0 टू 4. नेक्स्ट वन, इस केस में जस्ट कैलकुलेशन परफॉर्म कराएंगे, 25 मल्टीप्लाई बाई 1 इज 25, 5 मल्टीप्लाई 2 इज 10, 5 टू द पावर 0 इज 1, 1 मल्टीप्लाई 3 इज 3. फाइनली रिजल्ट क्या है इस केस में, 38. इसे इसका इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर क्या है, जस्ट 38. क्लियर? बेस 5 को जब बेस 10 में कन्वर्ट करेंगे 123 को, उसका इक्विवेलेंट डेसिमल क्या है, 38. नेक्स्ट केस क्या, मीन्स फर्स्ट केस में परफॉर्म क्या कराया है, जस्ट बेस 5 टू बेस 10 कन्वर्जन. नेक्स्ट टाइम अब रिक्वायर्ड क्या हो, बेस 10 टू बेस 4 कन्वर्जन. तो बेस 10 को अगर बेस 4 में कन्वर्ट करोगे तो जो भी नंबर है 38, मीन्स डेसिमल टू एनी कन्वर्जन के केस में रिक्वायर्ड जो भी आपको रिक्वायर्ड कन्वर्जन है उसके बेस से डिवाइड करेंगे, तो बेस रिक्वायर्ड बेस क्या है, 4. 4 से डिवाइड करो तो 4 को 38 से डिवाइड करने पर डिवाइड कितनी बार होगा, 9 टाइम्स, प्लस रिमाइंडर क्या है इस केस में, 2.
नेक्स्ट टाइम अगेन डिवाइड करेंगे तो डिवाइड कितनी बार होगा, ओनली टू टाइम्स, रिमाइंडर इज वन, सॉरी टू टाइम्स, डिवाइड किससे करेंगे जस्ट एवरी टाइम, रिक्वायर्ड बेस इज फोर। नेक्स्ट टाइम अगेन फोर से डिवाइड करने पर डिवीजन क्या आएगा, जीरो, एंड रिमाइंडर क्या आएगा इस केस में, जस्ट टू। तो फाइनली इस केस में रिजल्ट क्या आ रहा है, टू, नेक्स्ट वन, नेक्स्ट टू, क्लियर। इज द एनी टू एनी कन्वर्जन, लेकिन सेम कन्वर्जन परफॉर्म किस फॉर्म में कराना, इन द फॉर्म ऑफ सोर्स कोड और प्रोग्रामेटिकली। तो प्रोग्रामेटिकली कन्वर्जन परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले चेक करो जो भी आपके पास रिजल्ट में से नंबर गिवन है, इस नंबर को जस्ट रन टाइम पर कीबोर्ड से एंटर किस फॉर्म में कराएंगे, इन द फॉर्म ऑफ एरे। तो फर्स्ट केस में कैसा हो जाएगा, कैरेक्टर डिजिट वन इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स, डिजिट टू, डिजिट थ्री, देन पर्टिकुलर लूप, सॉरी एरे टर्मिनेट किससे होगा, नल से। इस एरे का नेम क्या है, बी बी एन। नेक्स्ट वन, इसका जो भी रिजल्ट आएगा डेसिमल नंबर को इंटीजर फॉर्म में असाइन कराएंगे, समथिंग डेसिमल वेरिएबल। देन नेक्स्ट टाइम जो फाइनल रिजल्ट होगा, रिक्वायर्ड रिजल्ट भी अगेन किसमें स्टोर कराएंगे, इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर एरे। कैरेक्टर एरे के किसमें असाइन किया जाएगा, सबसे पहले कॉपी किया गया डिजिट टू इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स, नेक्स्ट टाइम वन, नेक्स्ट टाइम अगेन टू, फाइनली टर्मिनेशन किससे कराएंगे, नल से। दिस इज द गिवन नंबर, दिस इज द करस्पॉन्डिंग रिजल्ट, मीन इस टाइप से एनी टू एनी जस्ट परफॉर्म कराएं। इसके स्टेप्स क्या होंगे, फर्स्ट वन, सबसे पहले आप कॉन्सेंट्रेट किसके लिए करोगे, एनी टू डेसिमल, एनी टू डेसिमल की किसमें हो सकता है, एनी का बेस टू हो, बेस एट हो, या बेस 16 हो, मीन से इसके जस्ट आप वो लॉजिक राइट कर लो जिसके थ्रू आपने बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट कराया था या ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्ट में परफॉर्म कराया था, सेम लॉजिक परफॉर्म है। लेकिन बाइनरी के केस में मल्टीप्लिकेशन किससे कराया था, टू दी पावर एन, लेकिन यहाँ टू के प्लेस पर यूज क्या कर लेंगे, एवरी टाइम ए, क्लियर। दूसरा केस, ये सारे लॉजिक में यूजर डिफाइंड फंक्शन के अंदर राइट डाउन कराऊंगा, इसके लिए फंक्शन क्रिएट कराया जाए, कन्वर्ट और कन्वर्जन। कन्वर्ट फंक्शन के अंदर सबसे पहले सप्लाई क्या करेंगे, रिक्वायरमेंट्स गिवन एरे, जैसे एरे के अंदर एलिमेंट्स अवेलेबल है। नेक्स्ट वन, सेकंड आर्गुमेंट सप्लाई क्या सप्लाई करोगे, एग्जिस्टिंग बेस, एग्जिस्टिंग बेस किससे रिप्रेजेंट होगा, समथिंग ए। थर्ड आर्गुमेंट पास करोगे रिक्वायर्ड बेस, मीन्स इसका मीनिंग क्या हुआ, इस केस में नंबर एन को कन्वर्ट किसमें कराना है, फ्रॉम, मीन्स कन्वर्जन किसमें होना है, बेस बी में, और एग्जिस्टिंग बेस क्या है इसका, बेस ए। तो इसके समय फंक्शन जस्ट के जितने आर्गुमेंट है, थ्री आर्गुमेंट, रिजल्ट किस फॉर्म में रिटर्न हुआ, कैरेक्टर एरे के फॉर्म में। फंक्शन का रिटर्न टाइप यूज करेंगे एज अ कैर स्टार, फंक्शन नेम है कन्वर्ट। नेक्स्ट वन, आर्गुमेंट टाइप, आर्गुमेंट में पास कर रहा है कैरेक्टर एरे, रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एन से। सेकेंड आर्गुमेंट क्या है, एग्जिस्टिंग बेस ए, एग्जिस्टिंग बेस किस फॉर्म में आएगा, इंटीजर्स के फॉर्म में, इंट ए। रिक्वायर्ड बेस क्या है, बी, अगेन इंटीजर। इस टाइप से आपके पास कोई भी मीन्स जस्ट यूजर डिफाइंड फंक्शन को इंप्लीमेंट कराएंगे तो सबसे पहले आपको कॉन्सेंट्रेट क्या करना है, जस्ट एनी टू डेसिमल कन्वर्जन, एनी टू डेसिमल कन्वर्जन। तो एनी टू डेसिमल के केस में जस्ट आपके पास गिवन केस क्या है, दैट वन। लेकिन इस केस में मैं टेस्ट करने के लिए जस्ट अदर केस यूज कर रहा हूँ, डिफरेंट इनपुट्स, जिससे आपके लिए ईजिली टेस्ट करना पॉसिबल हो। मीन्स एनी बेस आपके पास मीन्स ए के प्लेस पर बेस 16 भी पॉसिबल हो सकता है, सेम एज बी के प्लेस पर कोई भी रिक्वायर्ड बेस पॉसिबल। फॉर एग्जाम्पल इस केस को जस्ट मैं टेस्ट कर रहा हूँ, बेस्ड ऑन गिवन इनपुट वैल्यू वी आर हैविंग सम नंबर एज 2f, नंबर क्या गिवन है इस केस में, 2a। नेक्स्ट वन, 2a के केस में इसका एग्जिस्टिंग बेस क्या है, बेस 16, और इसको कन्वर्ट किस में कराना है, इन द फॉर्म ऑफ रिक्वायर्ड बेस क्या है, जस्ट बेस 5, मीन्स परफॉर्म क्या कराना, बेस 16 टू बेस 5 कन्वर्जन। दिस इज द इनपुट, से इनपुट के अकॉर्डिंग जस्ट सोर्स को राइट डाउन करेंगे, इसको आपको कॉन्सल्टेट करना है। तो फर्स्ट वन गिवन क्या है, बेस 16, तो बेस 16 को सबसे पहले आप कन्वर्ट किस में कराओगे, इन द फॉर्म ऑफ बेस 10। एग्जिस्टिंग बेस इज 16, सबसे पहले इसका कन्वर्जन किस में हुआ, डेसिमल, डेसिमल मीन्स बेस 10, बेस 10 के बाद जो रिजल्ट आएगा इसको फर्दर कन्वर्ट किस में कराएंगे, रिक्वायर्ड बेस 5, क्लियर, लाइक दैट। तो सबसे पहले रिक्वायर्ड क्या है, बेस 16 टू बेस 10 कन्वर्जन, क्लियर। बेस 16 टू बेस 10 कन्वर्जन के लिए सबसे पहले आपके पास इनपुट 2a किस फॉर्मेट में, इन द फॉर्म ऑफ एरे, 2a किस फॉर्म, इन द फॉर्म ऑफ एरे ऑफ कैरेक्टर्स, लाइक दैट। इस केस में 2 किस फॉर्म में, कैरेक्टर डिजिट्स, सॉरी कैरेक्टर्स के फॉर्म में, ए बी किस फॉर्मेट में, कैरेक्टर्स के फॉर्म में, यानी स्ट्रिंग टर्मिनेट किससे हुआ, नल, इंडेक्स 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। फाइनली इसका एड्रेस किसके पास है, एन के पास है, इसका पॉइंटर वेरिएबल क्या है, जस्ट एन, मीन्स इसके एलिमेंट को एक्सेस करेंगे, एन ऑफ 0, एन ऑफ 1, एन ऑफ 2, लाइक दैट।
सबसे पहले इस केस में आपको परफॉर्म क्या कराना है, जब इसको मीन्स सबसे पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट कराना, तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए जस्ट यूज क्या करेंगे, थर्ड वेरिएबल एज डी, ओनली सिंपली मैं डी यूज कर रहा हूँ इसको, प्लस डेसिमल के केस में एग्जिस्टिंग वैल्यू यूज कर लेंगे अगर जीरो, इनिशियल वैल्यू इज जीरो, प्लस पावर किस फॉर्म में मैनेज करेंगे, जस्ट गिवन क्या टू ऑफ ए, तो टू ऑफ ए के केस में सबसे पहले आप परफॉर्म क्या कराओगे, ए करेक्ट ए मल्टीप्लाई बाई गिवन बेस क्या 16, 16 टू द पावर जीरो, प्लस नेक्स्ट टाइम क्या है टू, टू मल्टीप्लाई बाई 16 टू द पावर वन, तो इस केस में 16 का पावर मैनेज करने के लिए 16 टू द पावर जीरो क्या आएगा जस्ट वन, 16 टू द पावर वन क्या आएगा 16, अगर नेक्स्ट डिजिट होता सपोज दैट एक और कोई डिजिट अवेलेबल समथिंग डी, तो इस केस में क्या था 16 टू द पावर टू, 16 टू द पावर क्या टू क्या होता जस्ट नथिंग बट 16 मल्टीप्लाई बाई 16 विच इज 256 लाइक दैट एंड सो ऑन। तो फाइनली इस केस में पावर को भी मैनेज करना होगा, पावर एवरी टाइम मल्टीप्लाई कैसे हो रहा है, पावर के केस में मैंने वेरिएबल क्रिएट किया पी, पी का इनिशियल वैल्यू क्या है वन, नेक्स्ट टाइम मल्टीप्लीकेशन किससे कराओ 16 से, अगेन मल्टीप्लीकेशन किससे हुआ 16 से, क्लियर। इस पावर के रिस्पेक्ट में जस्ट आप चेंजेस क्या करोगे, पावर इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई बाई 16, लेकिन 16 डायरेक्टली राइट करना पॉसिबल नहीं, करंटली ए के लिए मीन एग्जिस्टिंग बेस क्या था 16, इसलिए ए में क्या साइन हुआ 16, बी में क्या साइन हुआ रिक्वायर्ड बेस 5, ए का वैल्यू 16 इसलिए इस प्लेस पर यूज क्या करेंगे वेरिएबल ए, क्लियर। मीन्स टू एक्स्ट्रा वेरिएबल्स क्या है ए और बी एज अ फंक्शन आर्ग्यूमेंट, ए के केस में क्या पास हुआ 16 और बी का वैल्यू क्या जस्ट 5, बी ए मीन्स एग्जिस्टिंग बेस, बी मीन्स रिक्वायर्ड बेस, तो फर्स्ट टाइम ए का वैल्यू क्या 16, पी के केस में फर्स्ट टाइम पावर क्या साइन हुआ 1, नेक्स्ट टाइम क्या हुआ पी इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई बाई ए, तो पी के केस में पी का वैल्यू क्या है 1 और ए का वैल्यू क्या है जस्ट 16, क्या आएगा इस प्लेस पर 1 मल्टीप्लाई 16 इज 16, नेक्स्ट टाइम अगेन पी का वैल्यू 16 होने के बाद अगेन ए से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ए का वैल्यू क्या 16, तो अगेन क्या आएगा 16 मल्टीप्लाई बाई 16, नेक्स्ट टाइम सबसे पहले मल्टीप्लीकेशन किस में होगा लास्ट डिजिट मीन्स टू, नेक्स्ट इट्स प्रीवियस डिजिट, तो राइट टू लेफ्ट विजिट करने के लिए इटरेटिव वेरिएबल यूज करेंगे समथिंग आई, क्लियर। आई के केस में सबसे पहले आसान क्या कराएंगे, इनिशियल वैल्यू क्या आएगा इस केस में लेंथ ऑफ स्ट्रिंग माइनस वन, मीन्स आपको रिक्वायर्ड क्या लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स, और लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स क्या है ऑलवेज लेंथ माइनस वन, इस स्ट्रिंग का लेंथ क्या है जस्ट टू, टू माइनस वन क्या आएगा वन, तो इस केस में आई का इनिशियल वैल्यू क्या है वन, और आई राइट टू लेफ्ट ऑर्डर में जस्ट ग्रो करेगा, क्लियर। देन एवरी टाइम इंडेक्स में डिफरेंस कितने का वन का इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो आई के केस में परफॉर्म क्या होगा जस्ट आई माइनस माइनस, क्लियर। नेक्स्ट वन, अभी तो रिजल्ट आप फर्स्ट टाइम डेसिमल में स्टोर करा, डेसिमल कैलकुलेट होने के बाद अगेन बेस 5 का रिजल्ट स्टोर कराने के लिए एक और आपको रिक्वायर्ड एरे रिक्वायर्ड हुआ इस केस में, मीन्स जैसे एरे के अंदर स्टोर क्या कराएंगे फाइनल रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक और एरे क्रिएट करेंगे रिजल्ट एरे आर ए, इंडेक्स वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, क्लियर लाइक दैट, दीज आर रिक्वायर्ड वेरिएबल्स। तो इस केस में फाइनली रिक्वायर्ड वेरिएबल्स ए बी एंड एन ऑलरेडी आर्गुमेंट्स में क्रिएट हो चुके हैं, क्लियर। तो नेक्स्ट आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या रिक्वायर्ड है डी पी आई एंड आर ए, आर ए क्या है इस केस में अगेन एरे स्टैटिक कैर, आर ए मीन्स रिजल्ट एरे, साइज इज समथिंग 20, आप कोई भी साइज यूज कर सकते हो, और आप बाइनरी कन्वर्जन परफॉर्म कराया था उसके इसमें 32 तक डिजिट्स रिक्वायर्ड हो सकते हैं, इसलिए मैं मैक्सिमम साइज यूज कर रहा हूँ समथिंग 50। स्टैटिक एरे इनिशियल वैल्यूज क्या होंगे सभी प्लेस पर नल नल, नेक्स्ट टाइम इंटीजर टाइप्स के वेरिएबल्स रिक्वायर्ड होंगे आई पी, रिजल्ट को स्टोर कराने के लिए रिक्वायर्ड किया हुआ सम वेरिएबल एस डी। नेक्स्ट वन, सबसे पहले आप इस लूप को सॉरी एरे को राइट टू लेफ्ट क्रिएट कराओगे, इसके प्रीवियस कुछ भी नया लॉजिक नहीं, एग्जैक्टली लॉजिक कैसे सेम एज प्रीवियस, फर्स्ट वन आई, आई में क्या सन कराएंगे आई को कॉन्सेट करना लास्ट एलिमेंट के इंडेक्स, लास्ट एलिमेंट का इंडेक्स ऑलवेज क्या होता है एरे के अंदर लेंथ माइनस वन, और लेंथ कैलकुलेट करने के लिए एग्जिस्टिंग फंक्शन यूज कर लेंगे एस टी आर एल ई एन, लेंथ ऑफ गिवन एरे एन माइनस वन, चेक कर सकते हो जो भी n गिवन है n के केस में जस्ट एलिमेंट्स कितने टू एलिमेंट्स, क्लियर। इन टू एलिमेंट्स के रिस्पेक्ट में जस्ट लेंथ क्या हुआ टू, टू माइनस वन इज वन, तो इसलिए i में क्या सन हो जाएगा वन। नेक्स्ट वन, p के केस में फर्स्ट टाइम पावर के केस में एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है वन, तो इसलिए p का भी इनिशियलाइजेशन किससे कराएंगे
ऑल्सो वन, इसलिए पी में भी कैसा हो चुका है वन, डी में ऑलरेडी इनिशियलाइज क्या कर चुके हैं, डी में आप डिक्लेरेशन टाइम पर भी इनिशियलाइज कर सकते हो और एरे के अंदर भी इनिशियलाइज पॉसिबल है। डी के केस में कैसा होगा, इनिशियल वैल्यू है जीरो। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द कंडीशन, कंडीशन मीन्स एवरी टाइम पावर मल्टीप्लाई किससे हुआ, डिजिट से राइट टू लेफ्ट। तो मल्टीप्लीकेशन कब तक हो, जब तक सारे के सारे डिजिट्स मल्टीप्लाई नहीं हो जाते, फर्स्ट टाइम ये, नेक्स्ट टाइम टू, उसके बाद फर्दर कोई डिजिट अवेलेबल नहीं है, क्लियर। तो इस पर्टिकुलर केस में इसको परफॉर्म क्या कराएंगे, लूप कब तक चलेगा, मीन्स इसके इंडेक्स किससे रिप्रेजेंट हो रहे हैं, आई से। तो जब तक आई के अंदर वैलिड इंडेक्स है, मीन्स आई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट वन, आई के केस में परफॉर्म क्या हुआ, एवरी टाइम इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट आई डिक्रीजिंग ऑर्डर में ग्रो कर रहा है, एंड पी, पी के रिस्पेक्ट में एवरी टाइम क्या सही होगा, पी इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई बाई ए, ए मीन्स एग्जिस्टिंग बेस, क्योंकि पावर किस फॉर्म में मैनेज करेंगे, एग्जिस्टिंग बेस के फॉर्म, इसलिए एवरी टाइम पी को मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, वैल्यू ऑफ ए, करंटली ए का वैल्यू 16 है, इसलिए एवरी टाइम मल्टीप्लीकेशन किससे होगा 16 से, क्लियर। नेक्स्ट वन, जो भी रिजल्ट आएगा, रिजल्ट किस में सहन करा हुआ, डी के अंदर, रिजल्ट किस में सहन होगा, इन साइड डी, डी इक्वल्स टू D प्लस। नेक्स्ट वन, फर्स्ट टाइम जस्ट रीड क्या हो रहा है, मीन सबसे पहले D में आप ऐड क्या करा हुए, एन ऑफ I, I के केस में I का वैल्यू क्या, करंटली वन, तो एन ऑफ वन में क्या स्टोर है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन ऑफ वन, कैरेक्टर A, तो स्पेस पर क्या जाएगा A, और इसको मल्टीप्लाई कैसे करा देंगे, जस्ट P, तो स्पेस पर आप राइट डाउन क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई बाई पी, फर्स्ट टाइम पी का वैल्यू बना वन से मल्टीप्लीकेशन होगा, सेकंड टाइम 16 होगा वैल्यू, तो मल्टीप्लीकेशन किससे होगा 16 से। लेकिन इसके साथ प्रॉब्लम क्या है, अगर आप डायरेक्टली स्टार से राइट डाउन करो तो ए के प्लेस पर ये क्या है, जस्ट कैरेक्टर, तो ए के प्लेस पर रिप्लेस क्या हो, इट्स आस्की वैल्यू 65, मल्टीप्लीकेशन किससे हो रहा है 65 से, लेकिन ये क्या है, हेक्साडेसिमल डिजिट ए के प्लेस पर, जैसे अगर आप कैरेक्टर जीरो यूज करते हो तो जीरो के प्लेस पर एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या आता है, जस्ट डिजिट जीरो। वन के केस में एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, डिजिट वन अप टू नाइन, नाइन के केस में एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है, डिजिट नाइन, लेकिन ये जीरो वन टू नाइन क्या है, जस्ट कैरेक्टर्स, तो कैरेक्टर्स के साथ डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं है, अदरवाइज अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर जनरेट होने चांसेस होंगे। सेम अगर कैरेक्टर ए है, नाइन के बाद नेक्स्ट केस क्या आएगा, टेन, तो ए के प्लेस पर जस्ट मल्टीप्लीकेशन किससे होगा, टेन से। बी के प्लेस पर मल्टीप्लीकेशन किससे करा हुए, इलेवन से। सिमिलरली एफ के प्लेस पर मल्टीप्लीकेशन किससे होगा, 15 से, क्लियर, लाइक दैट। तो इस केस में 0 टू 9, अगर आपके पास कोई कैरेक्टर 0 गिवन है और इसको डिजिट्स में कन्वर्ट कराना था, तो उसको सबट्रैक्ट किससे करेंगे, आस्की वैल्यू ऑफ 0, 0 माइनस 0 मीन्स 48 माइनस 48 डिफरेंस इज 0, देन 1 माइनस आस्की वैल्यू ऑफ 0, इस केस में 1 का आस्की वैल्यू क्या है 49, 0 का आस्की वैल्यू क्या है 48, डिफरेंस इज 1। इसे डिजिट्स के केस में एवरी टाइम सबट्रैक्शन किससे हुआ, आस्की वैल्यू ऑफ जीरो, लेकिन अगर ए के रिस्पेक्ट में बात करें, मीन्स अल्फाबेट्स ए टू एफ, ए टू एफ के केस में, ए के केस में आस्की वैल्यू क्या है, जस्ट 65, और इस प्लेस पर एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है ए के प्लेस पर, जस्ट 10। 65 से ऐसा कौन सा नंबर सबट्रैक्ट करें जिससे आपको 10 मिलेगा, मैम जस्ट 55, क्या मिलेगा, इस केस में डिफरेंस इज 10, यानी ए से सबट्रैक्ट क्या करा हुआ 55। सेम एज मीन्स इस केस में क्या आएगा a माइनस 55, क्लियर। इस केस में ओनली 55 ही सबट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं, इसका रीजन मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सेम एज b के प्लेस पर क्या आएगा 66, 66 के केस में एक्सपेक्ट, सॉरी b के केस में एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है 11, तो इस केस में सबट्रैक्शन किससे कराएंगे 55 से, 66 माइनस 55 डिफरेंस इज 11, मीन्स एवरी टाइम डिफरेंस सबट्रैक्शन किससे करा हुए 55। सो दिस पर्टिकुलर केस में सबसे पहले कैरेक्टर्स को डिजिट्स में, पर्टिकुलर डिजिट्स में, रिक्वायर्ड डिजिट्स में कन्वर्ट करने के लिए सब्ट्रैक्शन जरूरी नहीं कि एवरी टाइम जीरो से ही हुआ, जीरो टू नाइन डिजिट्स हैं देन जीरो से सब्ट्रैक्शन कराओ, लेकिन अगर अल्फाबेट्स हैं देन 55 से सब्ट्रैक्शन, मीन्स कंडीशनली। सबसे पहले चेक करोगे एन ऑफ आई के अंदर डिजिट स्टोर है या अल्फाबेट स्टोर है, अगर डिजिट स्टोर है देन इस केस में मल्टी सब्ट्रैक्शन किससे कराएंगे, डायरेक्टली पी से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे वैल्यू ऑफ एन ऑफ आई, फिर एन ऑफ आई, आस्की वैल्यू ऑफ एन ऑफ आई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, एंड आस्की वैल्यू ऑफ एन ऑफ आई इज लेस देन और इक्वल्स टू 9, अगर ये कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है देन इस केस में जस्ट रिटर्न क्या कराना है, ट्रू होने का मतलब क्या है, मीन्स करंटली एन ऑफ आई में क्या स्टोर हुआ डिजिट, और डिजिट के केस में डिजिट से सबट्रैक्शन, मीन्स डिजिट केस में स्टोर हुआ है एन ऑफ आई में, तो एन ऑफ आई से सबट्रैक्ट क्या कराएंगे जस्ट
0, n ऑफ i माइनस आस्की वैल्यू ऑफ 0। दूसरा पॉसिबल केस क्या हो सकता है, कंडीशन में भी फॉल्स, कंडीशन फॉल्स है देन उस केस में कंसीडर करूंगा जा अल्फाबेट्स, अल्फाबेट्स के केस में n ऑफ i से सबट्रैक्शन किसका हुआ 55। सेकंड पॉसिबल केस क्या है 55, इसको जरा मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर रहा हूं, एरे क्या है जस्ट 2 a एंड null, इंडेक्स 0 1 2 एलिमेंट्स किसके थ्रू रिप्रेजेंट हो रहा है n के थ्रू। दूसरा पॉसिबल केस क्या है जस्ट n ऑफ i माइनस 55, क्लियर, देन क्लोजिंग ऑफ दिस पैरेंथेसिस, देन फाइनली इस प्लेस पर रिप्लेस किया हुआ आइदर n ऑफ i माइनस 0 और n ऑफ i माइनस 55, जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को मल्टीप्लाई किससे कराएंगे फर्स्ट टाइम 1 से, और 1 किस में स्टोर है p में, तो इस प्लेस पर जस्ट मींस 16 टू द पावर 0 के प्लेस पर a के प्लेस पर क्या यूज करेंगे n ऑफ i माइनस समथिंग मल्टीप्लाई बाय p, मल्टीप्लाई किससे कराएंगे वैल्यू ऑफ p, क्लोज दिस मींस इस लॉजिक के थ्रू जस्ट परफॉर्म क्या हो रहा है एनी टू डेसिमल कन्वर्जन, चेक इट, फर्स्ट टाइम इसको रिजोल्व करके बताता हूँ, रिजोल्व करेंगे तो उस केस में जस्ट n ऑफ i की i का वैल्यू क्या करंटली 1, 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन इज ट्रू, नेक्स्ट टाइम जस्ट d का एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या 0, मींस बॉडी एग्जीक्यूट करेंगे n ऑफ i में करंटली क्या स्टोर है i के प्लेस पर क्या आएगा i का वैल्यू 1 और इंडेक्स 1 में क्या स्टोर है a, तो इस प्लेस पर रिप्लेस क्या हुआ a, आस्की वैल्यू ऑफ a इज ग्रेटर देन 0 मींस कंडीशन ट्रू, क्लियर। सेकंड केस आस्की वैल्यू ऑफ ए लेस देन इक्वल टू 9 कंडीशन इज फॉल्स, एंड के केस में अगर ये की भी कंडीशन फॉल्स है देन ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा इसका फॉल्स, और फॉल्स के केस में रिप्लेस क्या हुआ रिजल्ट ऑफ फॉल्स एक्सप्रेशन, फॉल्स एक्सप्रेशन क्या है इस केस में n ऑफ i माइनस 55, देन फाइनली जो भी रिजल्ट आएगा इस एक्सप्रेशन का उस रिजल्ट से मल्टीप्लीकेशन किसका हो रहा है पी का, और पी का करंटली वैल्यू क्या है 1, तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा इस केस में n ऑफ i में क्या है a माइनस 55, रियल में इस प्लेस पर a के प्लेस पर एक्सपेक्टेड क्या हुआ 10 टू द पावर सॉरी 10 मल्टीप्लाई 16 टू द पावर 0, चेक इट, इसे a के प्लेस पर जस्ट a का आस्की वैल्यू क्या है 65 माइनस 55 डिफरेंस क्या आएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 1, क्लियर, इस सेम केस इसका रेट क्या रहा 10 प्लस 0 इज 10, आसानी किस में हो जाएगा डेसिमल में मीन्स 10, क्लियर। नेक्स्ट टाइम अगेन परफॉर्म क्या हुआ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन, तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन के अकॉर्डिंग परफॉर्म क्या हुआ i माइनस माइनस वैल्यू ऑफ i बिकम्स 0, p इक्वल्स टू p मल्टीप्लाई बाई a, p का वैल्यू क्या करंटली 1 और a का वैल्यू क्या है 16, a का वैल्यू क्या है 16, तो फाइनली इसका रिजल्ट क्या आएगा 16, तो नेक्स्ट टाइम p का वैल्यू क्या चुका है जस्ट 16, फर्स्ट टाइम क्या था p का वैल्यू 1, नेक्स्ट टाइम 16 विच इज इक्वेलेंट टू 16 टू द पावर 1, अगेन कंडीशन टेस्ट कराएंगे आई का वैल्यू क्या 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कंडीशन इज ट्रू, अगेन डी के प्लेस पर डी का वैल्यू रिप्लेस करेंगे 10, डी का एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है जस्ट 10 रिप्लेस कराने के बाद अगेन कंडीशन टेस्ट करेंगे एन ऑफ आई की किस मत करें वो आई का करंट वैल्यू क्या 0 और एन एरे एन के अंदर 0 इंडेक्स में क्या स्टोर है कैरेक्टर 2, फाइनल स्पेस पर क्या 2, तो 2 का आस्की वैल्यू 0 से बड़ा है 9 से छोटा मींस इस केस में दोनों ही कंडीशन ट्रू है, दोनों ही ट्रू है देन इस केस में रिजल्ट किस एक्सप्रेशन का आएगा n ऑफ i माइनस 0, n ऑफ i के केस में वैल्यू क्या है इसका 2 माइनस आस्की वैल्यू ऑफ 0 मींस 50 माइनस 48 डिफरेंस इज 2, तो फाइनली इस ओवरऑल एक्सप्रेशन के प्लेस पर रिजल्ट क्या आएगा जस्ट 2 मल्टीप्लाई बाई वैल्यू ऑफ पी, P का करंट वैल्यू क्या है करंटली 16, तो P के प्लेस पर क्या जाएगा 16 मल्टीप्लाई बाई 2 इज 32 प्लस 10 इज 42 अगेन आसान किस में जाएगा वेरिएबल D में, तो D का नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगा जस्ट 42, क्लियर मींस इसके जस्ट आप परफॉर्म क्या हुआ i माइनस वन मीन्स दो मीन्स एरे एन के अंदर 2 डिजिट्स थे, ए का भी कैलकुलेशन हो चुका है 2 के लिए भी कैलकुलेशन हो चुका है, फाइनली डेसिमल नंबर क्या है 42, i माइनस माइनस होगा तो i की वैल्यू क्या जाएगी माइनस 1, P के केस में क्या आएगा P मल्टीप्लाई बाई A और A का वैल्यू अगेन क्या है 16 मल्टीप्लाई बाई 16 इज 256, तो P का वैल्यू क्या हो चुका है इसके इस ऑपरेशन के बाद 256 विच इज इक्वेलेंट टू 16 टू द पावर 2, क्लियर। नेक्स्ट वन और I का केस में I का वैल्यू क्या है माइनस 1, नेक्स्ट टाइम अगेन
परफॉर्म क्या होगा, कंडीशन टेस्टिंग। लूप के केस में अगेन कंडीशन टेस्ट होगा तो आई के प्लेस पर क्या जाएगा, माइनस वन, माइनस वन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, कंडीशन बिकम फॉल्स, कंडीशन फॉल्स है देन कंट्रोल लूप से बाहर आ जाएगा। ये चेक कर सकते हैं कंट्रोल लूप से बाहर आने से पहले ऑलरेडी हेक्साडेसिमल नंबर क्या था 2a, और 2a का डेसिमल नंबर ऑलरेडी किसमें स्टोर है, वेरिएबल d के अंदर, चेक कर सकते हो। जस्ट अगर आप इसका डेसिमल नंबर कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, 16 टू द पावर 0 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 16 टू द पावर 1। a के प्लेस पर रिप्लेस क्या करें, करेस्पॉन्डिंग डिजिट इज 10, 16 टू द पावर 0 इज 1, 1 मल्टीप्लाई 10 इज 10 प्लस 16 मल्टीप्लाई 2 इज 32। तो इस केस में एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या था, ऑल्सो 42। फाइनली आपके पास अवेलेबल क्या हो चुका है, ये सभी परफॉर्म क्या हुआ, एनी टू डेसिमल कन्वर्जन। अब नेक्स्ट लेवल पर आप ट्राई किसके लिए करोगे, डेसिमल टू एनी कन्वर्जन। परफॉर्म क्या करें, डेसिमल टू एनी कन्वर्जन। तो डेसिमल टू एनी कन्वर्जन परफॉर्म करने के लिए अगेन क्या यूज करेंगे, जस्ट लूप। आपका डेसिमल नंबर क्या है 42, स्टोर किसमें, वेरिएबल डी के अंदर। 42 को डिवाइड किससे कराना, रिक्वायर्ड बेस से, रिक्वायर्ड बेस क्या है जस्ट बी, और बी का वैल्यू क्या है 5, तो डिवाइड भी किससे कराएंगे 5 से। जो भी इसका रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर एवरी टाइम असाइन किस में कराएंगे, रिजल्ट एरे आर ए, और आर ए के अंदर किस इंडेक्स में असाइन कराओगे, आर ए ऑफ आईथ इंडेक्स, फर्स्ट टाइम 0, आई का वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या पुट करेंगे 0, नेक्स्ट टाइम 1, नेक्स्ट टाइम 2 एंड सो ऑन। फर्स्ट टाइम 5 से 42 को डिवाइड करेंगे तो रिजल्ट क्या है, इस केस में डिवीजन क्या आएगा, जो भी डिवीजन आएगा डिवीजन अगेन किस में असाइन कराओगे डी में, लेकिन रिमाइंडर किस में असाइन कराएंगे, आर ए ऑफ आई, मीन्स राइट डाउन लाइक दैट, आर ए ऑफ आई इक्वल्स टू डी, डेसिमल किस में स्टोर है डी, डी मॉड्यूलो बाई 5, 5 किस में स्टोर है बी में, डी मॉड्यूलो बाई 5, रिजल्ट क्या आएगा इसका मॉड्यूलो रिमाइंडर में 2, देन डिवीजन किस में असाइन कराओगे डी में। नेक्स्ट केस डिवीजन, डिवीजन के केस में क्या यूज करें, डी इक्वल्स टू डी डिवाइडेड बाई बी, तो इसका डिवीजन क्या आएगा जस्ट 5 को 42 को 5 से डिवाइड करने पर डिवीजन क्या आएगा जस्ट 8, तो 8 किस में असाइन कराना है अगेन डी में, तो डी का नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगा 8, और आर ए ऑफ आई में आई का इनिशियल वैल्यू क्या यूज करेंगे, आई वैल्यू इज 0, आई को फिर से रीसेट कैसे, मीन फर्स्ट रिजल्ट 0 इंडेक्स में असाइन कराना, इसलिए आई को रीसेट करेंगे 0 से, तो इसके साथ अगेन लूप मैनेज करेंगे आई इक्वल टू 0, क्लियर। नेक्स्ट टाइम कंडीशन क्या है, फाइव मीन से पर्टिकुलर असाइनमेंट कब तक कराना है, फर्स्ट टाइम डी का वैल्यू क्या होगा 8, अगेन 5 से मीन बी से डिवाइड करोगे, डिवीजन कितनी बार होगा 1 टाइम, फर्स्ट टाइम डिवाइड किया तो क्या है इस केस में जस्ट 42 डिवाइड बाय 5, रिजल्ट इज डिवीजन इज 8, रिमाइंडर इज 2। नेक्स्ट अगेन 5 से डिवाइड करेंगे तो अगेन डिवीजन कितनी बार होगा 1 टाइम, रिमाइंडर क्या आएगा जस्ट 3, अगेन डिवाइड करेंगे डिवीजन क्या आएगा 0 और रिमाइंडर इज 1। फाइनल इस केस में रिजल्ट में से एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या है 1, 3, 2, लेकिन ये एरे कैसा है, कैरेक्टर एरे। रिजल्ट किस फॉर्म में आया, जस्ट डिजिट्स के फॉर्म में, इनको कन्वर्ट किस में कराना है, कैरेक्टर्स में, देन ओनली इसको स्टोर कराना है। जो भी रिजल्ट है इस रिजल्ट को डिजिट्स में कन्वर्ट करने के लिए, सॉरी कैरेक्टर्स में कन्वर्ट करने के लिए यूज क्या करेंगे, जो भी रिजल्ट आ रहा है इस रिजल्ट से जस्ट ऐड क्या करा देंगे, आस्क वैल्यू ऑफ 0, क्लियर। तो फाइनल इस केस में कंडीशन क्या रहेगा, ऑपरेशन कब तक परफॉर्म कराना है, जब तक डी का वैल्यू 0 नहीं हो जाता या 0 से बड़ा है। फर्स्ट टाइम डी का वैल्यू क्या था 42, विच इज ग्रेटर देन 0, नेक्स्ट टाइम डी का वैल्यू क्या हुआ 8, विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, नेक्स्ट टाइम डी का वैल्यू क्या हुआ 1, विच इज ऑल्सो ग्रेटर देन 0, फाइनली डी का वैल्यू क्या हुआ 0, 0 ग्रेटर देन 0 मीन्स कंडीशन इज फॉल्स। कंडीशन क्या बन जाएगा, डी ग्रेटर देन 0, क्लियर। नेक्स्ट टाइम इसके बाद आई के रिस्पेक्ट में एवरी टाइम परफॉर्म क्या हुआ, आई प्लस प्लस, फर्स्ट टाइम आई में क्या है फर्स्ट एलिमेंट का इंडेक्स, नेक्स्ट टाइम सेकंड एलिमेंट का इंडेक्स, मीन्स आई इंक्रीजिंग ऑर्डर में ग्रो कर रहा है। नेक्स्ट टाइम डी के केस में बात करें, डी में एवरी टाइम क्या असाइन कराएंगे, डी इक्वल्स टू डी डिवाइडेड बाई बी, फर्स्ट टाइम डी का वैल्यू क्या है 42, बी का वैल्यू क्या है जस्ट 5, तो नेक्स्ट टाइम 5 से डिवाइड करने पर डी का वैल्यू क्या है 8, तो इस केस में एवरी टाइम डी में क्या असाइन कराएंगे, डी इक्वल्स टू डी डिवाइडेड बाई बी, क्लियर। नेक्स्ट वन, लेकिन आप रिजल्ट किस में असाइन कराओगे, आर ऑफ आई, आर ऑफ आई इक्वल्स टू आई का वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या 0, तो फर्स्ट रिजल्ट किस में असाइन होगा 0 इंडेक्स में, नेक्स्ट टाइम आई का वैल्यू 1 हो जाएगा, देन रिजल्ट किस में असाइन होगा 1 इंडेक्स में। नेक्स्ट इस पर्टिकुलर केस में परफॉर्म क्या कराना, दैट वन, लेकिन प्रॉब्लम क्या है इस केस में, जस्ट जो भी इसका रिमाइंडर आ रहा है रिमाइंडर को डिजिट्स में कन्वर्ट करने की जरूरत है, डिजिट्स में कन्वर्ट करने के लिए अगर डिजिट से 0 टू 9 की रेंज में, मीन्स इफ डिजिट इज बिटवीन 0 टू 9, अगर डिजिट 0 टू 9 की रेंज में देन इसको ऐड किससे कराएंगे, आस्की वैल्यू ऑफ 0, लेकिन अगर डिजिट ए टू एफ की रेंज में हुआ,
देन इस केस में एडिशन किससे कराओगे, जस्ट 55 लाइक दैट। उस केस में दोनों ही प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए जस्ट यूज क्या करेंगे, सम एरे। मीन जस्ट इस प्लेस पर मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ पॉसिबल बेस क्या, मैक्सिमम बेस क्या, बेस 16। तो मैं मैक्सिमम 16 डिजिट्स तक मैनेज कर रहा हूँ, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। देन अल्फाबेट्स आर ए बी सी डी ई एफ, दिस इज द स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग के केस में स्ट्रिंग के अंदर इंडेक्स में क्या पास करेंगे, डी मॉड्यूलो बाई बी। देन असाइन केस में जाएगा आर ऑफ 5। जस्ट इसको टेस्ट करता हूँ, मैं सॉल्व करके बता रहा हूँ इस केस में, क्लियर। इस केस में एक और एरे क्रिएट हुआ है, इस एरे का टाइप क्या है, एनो नियम। इस एरे में इस एरे का कोई नेम है क्या, नहीं। तो इसके लिए जस्ट मैं डायग्राम क्रिएट कर रहा हूँ, इससे आपके लिए ईजी वे में समझना पॉसिबल होगा। इस एरे के अंदर एलिमेंट्स कितने, जस्ट 16 एलिमेंट्स। आसान क्या हो जाएगा, कैरेक्टर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ए बी। इसे जस्ट रिप्रेजेंट क्या हो रहा है, हेक्सा डेसिमल डिजिट, क्योंकि मैक्सिमम डिजिट्स कितने हो सकते हैं किसी बेस में, अप टू 16। इसलिए मैं 16 डिजिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जस्ट मैं एरे राइट डाउन कर रहा हूँ लाइक दैट, क्लियर। इंडेक्सिंग आर 0, 1, 2 समथिंग। एड्रेस, इस केस में एड्रेसिंग इंपॉर्टेंट केस है। फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस अगर 100 है तो नेक्स्ट का क्या आएगा, 101 102 103 104 105 एंड सो ऑन, क्लियर। 106 107, या मैंने 10 को हाइड रखा है, इसे प्रीफिक्स है। 108 109, देन 110 111 112 13 14 15 16 एंड सो ऑन। चेक दिस, मीन फाइनली इस केस में क्या एरे, और एरे के प्लेस पर आपको बताना चाहिए, ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एरे नेम या स्ट्रिंग के प्लेस पर ऑलरेडी रिप्लेस किया था स्ट्रिंग का बेस एड्रेस। फाइनली जहाँ भी आपको फिजिकली एरे कंटेंट्स हो रहा है इस प्लेस पर, लॉजिकली क्या रिप्लेस होगा, 100। नाउ इट विल बिकम्स लाइक दैट, डी मॉड्यूलो बाई बी प्लस ए। फॉर्म क्या है, ए ऑफ आई का जस्ट कन्वर्जन क्या होता है, स्टार ए प्लस आई अकॉर्डिंग टू प्रीवियस पॉइंटर प्रॉपर्टी। तो ए के प्लेस पर जस्ट ऑकर क्या हुआ, 100। तो इस प्लेस पर क्या जाएगा, स्टार ए के प्लेस पर क्या आएगा, 100 प्लस आई के प्लेस पर ऑकर क्या हुआ, डी मॉड्यूलो वाई बी। तो इसे एक्सप्रेशन को एवरी टाइम सॉल्व करोगे देन आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। करंटली इस केस में जस्ट आप डी को डिवाइड किससे कर रहे हो, बी से, बी का वैल्यू क्या है, 5। तो आप श्योर हो इस केस में पॉसिबल रिमाइंडर्स क्या होंगे, आइदर 0, 1, 2, 3 और 4, इससे बड़ा रिमाइंडर पॉसिबल ही नहीं है। तो इस केस में इंडेक्स क्या पास होंगे, अप टू दैट रेंज, आइदर 0, 1, 2, 3, 4, क्लियर। इससे बड़ा कोई रिमाइंडर पॉसिबल ही नहीं, इसलिए डिजिट भी मीन करेस्पॉन्डिंग कैरेक्टर भी कैरेक्टर विद इन अ सेम रेंज। अगर बेस 16 रिक्वायर्ड होता था देन इस प्लेस पर बी के प्लेस पर क्या था, 16, मैक्सिमम 16 इंडेक्स पॉसिबल होते, क्लियर। इस स्टार से मैंने लॉजिकली इसको मैनेज किया है। फाइनली फर्स्ट टाइम जैसे इस केस में लूप एग्जीक्यूट हुआ तो लूप के केस में करेंटली डी का वैल्यू क्या है, इनिशियली व्हाट इज द करंट वैल्यू ऑफ डी, 42। 42 इज ग्रेटर देन 0, कंडीशन इज ट्रू। कंडीशन ट्रू है देन इस केस में जस्ट लूप बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट करें तो बॉडी के अंदर जस्ट एक्सप्रेशन क्या है, दैट वन आर ऑफ आई, आई का वैल्यू क्या है, 0 इक्वल्स टू इसे स्ट्रिंग के प्लेस पर क्या जाएगा, 100। डी का वैल्यू क्या है, 42 मॉड्यूलो बाई वैल्यू ऑफ बी, 5। मिस क्या आएगा इस प्लेस पर, 100 ऑफ रिमाइंडर क्या आएगा, जस्ट 2। 100 ऑफ 2 और 100 ऑफ 2 में मिस एड्रेस का एड्रेस 100 है तो 100 ऑफ 2 में क्या स्टोर, जस्ट कैरेक्टर 2। और सॉल्व भी कर सकते हैं इस प्लेस पर, इसका कन्विंग क्या, स्टार 100 प्लस 2 विच विल बिकम्स स्टार 102 और स्टार 102 में भी क्या स्टोर है, ऑल्सो सेम वैल्यू 2। तो फाइनल इस प्लेस पर रिप्लेस क्या हो, कैरेक्टर 2। 2 किस फॉर्म में, कैरेक्टर्स के फॉर्म में, फिर 2 किस में साइन हो जाएगा, आर ऑफ 0 मीन्स दैट प्लेस, क्लियर। नेक्स्ट वन अगेन परफॉर्म क्या हुआ, सेम केस, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट सेशन के अकॉर्डिंग आई में इंक्रीमेंट होगा तो देन आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई बिकम्स 1। नेक्स्ट टाइम डी में कैसा होगा, डी डिवाइडेड बाई बी, बी का वैल्यू क्या है, 5। डी का वैल्यू क्या है, 42। 42 को 5 से डिवाइड करें तो इंटीजर डिवीजन क्या आएगा, जस्ट 8। इसलिए डी का नेक्स्ट वैल्यू क्या जाएगा, 8। देन अगेन सेम केस, अगेन डी का वैल्यू मीन्स बॉडी पार्ट एग्जीक्यूट हुआ 100 ऑफ डी,
8 मॉड्यूलो बाय 5 रिमाइंडर क्या आएगा इस केस में जस्ट 3 नेक्स्ट टाइम पास क्या हो रहा 100 ऑफ 3 100 ऑफ 3 में क्या स्टोर है जस्ट कैरेक्टर 3 3 किस में आसान होगा i i का वैल्यू 1 है r ऑफ 1 r ऑफ 1 में क्या आसान हो जाएगा जस्ट 3 क्लियर नेक्स्ट टाइम अगेन फिर से परफॉर्म हुआ i++ के अकॉर्डिंग i की नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी करंट वैल्यू क्या है 1 देन नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगा 2 देन d में क्या आसान d डिवाइडेड बाय b d का वैल्यू क्या 8 8 को डिवाइड किससे करेंगे जस्ट 5 से तो डिवीजन कितनी बार होगा 1 टाइम तो d का नेक्स्ट वैल्यू क्या जाएगा 1 क्लियर नेक्स्ट टाइम अगेन कंडीशन टेस्टिंग 1 ग्रेटर देन 0 कंडीशन इज ट्रू अगेन सेम केस 1 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आएगा 1 इट विल बिकम्स 100 ऑफ 1 100 ऑफ 1 में क्या स्टोर है आल्सो कैरेक्टर 1 तो इस प्लेस पर रिप्लेस क्या होगा 1 आसानी किस में हो जाएगा r ऑफ i i का वैल्यू क्या करंटली 2 तो सेकंड इंडेक्स में क्या आसान हो जाएगा जस्ट कैरेक्टर एज 1 क्लियर नेक्स्ट टाइम परफॉर्म क्या होगा अगेन i++ कराएं तो i का वैल्यू क्या हो जाएगा 3 D को डिवाइड किससे करोगे अगेन B से B का लिख गया 5 1 को 5 से डिवाइड करने पर क्या आएगा जस्ट 0 0 ग्रेटर देन 0 कंडीशन इज फॉल्स फॉल्स होने की जस्ट बाद कंट्रोल करना है आउटसाइड लूप लूप के बाहर आने से पहले आपको इस रिजल्ट एरिया को नल से टर्मिनेट कराना होगा नल किस इंडेक्स में साइन कराना थर्ड इंडेक्स में R ऑफ A इस एरिया का नेम क्या है जस्ट R ऑफ A इस केस में किस इंडेक्स में असाइनमेंट कराना थर्ड इंडेक्स और थर्ड इंडेक्स 3 किस में स्टोर है आई में तो अगेन आप यूज कर सकते हो आर ऑफ आई इक्वल्स टू नल नेक्स्ट वन इस केस में एक्सपेक्टेड रिजल्ट क्या था 231 और 132 132 लेकिन स्टोर क्या 231 तो जस्ट परफॉर्म क्या कराना होगा रिवर्स तो स्ट्रिंग को रिवर्स कराने के लिए यूज क्या कर लेंगे लाइब्रेरी फंक्शन str rev सप्लाई क्या करेंगे r a क्लियर देन इस केस में इसके कंटेंट्स रिवर्स हो जाएंगे रिवर्स होने के इसमें इस प्लेस पर क्या जाएगा 1 एंड 3 एंड 2 ऑलरेडी इसको टर्मिनेट किससे करा चुके थे नल से फाइनली रिटर्न क्या करा हुए रिटर्न रिजल्टेंट एरे और रिजल्ट किस में स्टोर है आर में तो इसलिए रिटर्न क्या कराएंगे आर में जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करोगे इस फंक्शन के हेल्प से एग्जिस्टिंग नंबर सिस्टम को किसी भी रिक्वायर्ड नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना पॉसिबल मीन्स इस प्रोग्राम के थ्रू एनी टू एनी कन्वर्जन पॉसिबल है एनी टू एनी मीन्स अगर आपके पास ऑक्टल नंबर सिस्टम अवेलेबल अगर नंबर किस फॉर्म में इन द फॉर्म ऑफ बेस 8 कन्वर्ट किस में कराना है बेस 16 तो इस केस में जस्ट आप सप्लाई क्या करोगे नंबर इस कॉल क्या कर लेंगे कन्वर्ट फंक्शन कन्वर्ट में पास क्या करोगे एन कॉमा 8 कॉमा 16 देन इस केस में गिवन नंबर एन कन्वर्ट इसका एग्जिस्टिंग बेस कंसीडर होगा 8 ये कन्वर्ट किस में जाए बेस 8 टू बेस 16 मीन्स इस केस में परफॉर्म क्या हुआ ऑक्टल टू हेक्साडेसिमल और फर्स्ट केस में 16 पास किया सेकंड केस में 8 देन इस केस में परफॉर्म क्या हुआ हेक्साडेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन मीन्स एक सिंगल प्रोग्राम के थ्रू आपके लिए किसी भी नंबर सिस्टम को किसी भी रिक्वायर्ड नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना पॉसिबल है फाइनली टेस्ट करने के लिए यूज क्या करेंगे मेन फंक्शन वॉइड मेन मेन के रिस्पेक्ट में जस्ट बात करेंगे जस्ट आप क्रिएट क्या करोगे फंक्शन को कॉल करने के लिए आपको एरे पास करना होगा कैर एंड साइज समथिंग 50 इसके अलावा रिक्वायर्ड क्या है टू इंटीजर वेरिएबल्स इंट ए कॉमा बी तो इसके इसमें रीड क्या करेंगे स्कैन एफ परसेंट पॉसिबल डिजिट्स क्या है 0 to 9 8 to F इसके अलावा अदर केस में रीड ही नहीं होना चाहिए यूज क्या करें परसेंट एस नेक्स्ट टाइम स्पेस देन रीड क्या करना है जस्ट एड्रेस ऑफ एरे एन एन रीड करने के बाद देन नेक्स्ट टाइम रीड क्या कराना है वैल्यू ऑफ ए बी इससे पहले बफर को फ्लश करना होगा क्यों बफर के अंदर हो सकता है ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स अवेलेबल हों फ्लश ऑल और मे बी एफ फ्लश देन अगेन स्कैन एफ आप प्रिंट एफ के थ्रू रिक्वायर्ड मैसेज डिस्प्ले करा सकते हो बिफोर स्कैन एफ इस केस में डिस्प्ले क्या करा लो एंटर नंबर इस केस में डिस्प्ले कराओ एंटर वैल्यू ऑफ ए एंड बी देन ए और बी का टाइप क्या है इंटीजर इसलिए रीड करने के लिए यूज करेंगे परसेंट डी एड्रेस ऑफ ए एड्रेस ऑफ बी देन इस केस में जो भी रिजल्ट आएगा रिजल्ट को स्टोर कराने के लिए यूज क्या करेंगे पॉइंटर पॉइंटर पी इक्वल्स टू कॉल क्या कर लेंगे फंक्शन नेम है कन्वर्ट सप्लाई क्या करोगे एन कॉमा ए कॉमा बी रिजल्ट को डिस्प्ले कराने के लिए यूज क्या कर लेंगे पुट्स फंक्शन पुट्स पी फाइनली इस टाइप से मीन्स गिवन कोड के थ्रू एग्जिस्टिंग नंबर सिस्टम को रिक्वायर्ड नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना पॉसिबल है